एमसीडी चुनाव के धमाकेदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी द्वारा महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में जीत का जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर नाच गाकर अपनी खुशी जताई है। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के सभी 250 सीटों के नतीजे आ गए हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। 15 साल बाद बीजेपी को एमसीडी की सत्ता से बाहर कर दिया है। दिल्ली में 3 बार सरकार बनाने के बाद आप पहली बार दिल्ली नगर निगम में अपनी सरकार बनाने जा रही है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली है, बीजेपी को 104 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस के 9 उम्मीदवार जीते हैं, 3 उम्मीदवार निर्दलीय जीते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ भी हम लोग लड़ने वाले हैं। नागपुर में भी काफ़ी अच्छी तैयारी हमारी चालू है। वार्ड लेवल तक कमेटी बनाना, संगठन विस्तार का काम, लोगों के घर घर डोर टू डोर काम चालू है हमारा। लोगों की समस्या लेकर हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के पदाधिकारी कॉरपोरेशन में जाते हैं, लोगों को जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और निश्चित रूप से हम लोग एमसीडी में भी, नागपुर महानगर पालिका में भी अच्छा काम करेंगे और यहाँ भी चुनाव में पूरे ताकत के साथ पूरे सीट के ऊपर हम लड़ने वाले हैं। दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी पहली बार सत्ता में आ रही है और एमसीडी में आने के बाद आप लोगों ने सुना होगा कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में इसलिए ज़्यादा नहीं बन पाया क्योंकि हमारे पास जगह के लिए जगह नहीं था और जगह का जो अनुमति देने का काम एमसीडी का था। तो एमसीडी आने के बाद दिल्ली में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दिल्ली में आप देखेंगे कि दिल्ली जो है देश का सबसे सुंदर शहर बनेगा। साफ सफाई के मामले में भी अभी आप जाते तो दिल्ली बहुत ही गंदा शहर बना हुआ था, तो गंदगी पूरी तरह साफ हो जाएगी। कूड़े का बाहर बना हुआ था दिल्ली में, उसे भी हटा दिया जाएगा। हे जे इलेक्शन आज दिल्ली मध्ये इलेक्शन चे रिजल्ट झाले, लोकल बॉडी च्या, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन च्या, हे रिजल्ट दोन गोष्टींसाठी महत्त्वाचे आहे। पहिली गोष्ट म्हणजे आम आदमी पार्टीनी आज थेट भारतीय जनता पार्टी सोबत इलेक्शन लढून इलेक्शन जिंकलंय। हे जे काँग्रेस आणि काही पक्षांचं आणि काही लोकांचं म्हणणं होतं की आम आदमी पार्टी ही फक्त काँग्रेस विरोधात इलेक्शन लढते, हे आज आम आदमी पार्टीने खऱ्या अर्थाने सिद्ध केलंय की फक्त विधानसभा इलेक्शन नाही तर लोकल बॉडी इलेक्शनमध्येही आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टीच्या सोबत दोन हात करून त्यांना पटकनी देऊ शकते। दिल्लीवासियों की जीत है अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, अपने आप को बीजेपी के शिकंजे से छुटाने के लिए और ईमानदार पार्टी का, ईमानदार कार्यशैली का, व्यवस्था परिवर्तन का साथ देने के लिए हम उनको आश्वासन देना चाहते हैं कि दिल्ली में हमारी सरकार जैसी सरकार ने काम किया है वैसा ही हम एमसीडी का भी भ्रष्टाचार दूर करेंगे। बीजेपी ने 3 एमसीडी को मिला करके एक किया क्योंकि उनको मालूम थी उनकी हालत ठीक नहीं है, 3 में गड़बड़ हो सकता है, तो 3 मिलाकर जब एक रहेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी मेजोरिटी आ जाएगी। लेकिन दिल्ली के लोगों ने बता दिया कि हमने ईमानदार पार्टी का साथ दिया है और हम इस बार भी ईमानदार पार्टी को साथ दे रहे हैं और हम भी अपना वादा जितना बोले हैं वो पूरा करेंगे। कूड़े के पहाड़ दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। बहुत दुख होता है जब हम सुनते हैं कि एक गरीब आदमी अपना मकान बनाता है तो उसको पार्षद को 1,00,000 रुपये देने पड़ते हैं मकान बनाने के लिए, वो छत नहीं डाल सकता जाकर उसको पैसे नहीं दिए, तो ये कैसा भ्रष्टाचार है? ये ठीक नहीं है। कोई इंसान अपनी लागत लगा के घर बनाता है उसमें तो 1,00,000 रुपये वसूलते हो क्योंकि तुम कॉर्पोरेटर हो, कौन से अधिकार से वसूलते हो? ये सब बंद होगा और काम की राजनीति वहाँ शुरू होगी और नीति का राज वहाँ पे आएगा। धन्यवाद। इसके साथ ही आपके पदाधिकारियों द्वारा इस दौरान बताया गया है कि आने वाले दिनों में नागपुर महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी इस चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।